नमस्ते, वेलकम टू एटीएस टेक इन्फो। एटीएस टेक इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कैसे एमएस एक्सेल यूज करके हम कैसे न्यू ईयर का कैलेंडर तैयार करेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एटीएस टेक इन्फो एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो टू योर नियर एंड डियर। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हेलो, आज हम देखने वाले हैं कैसे एमएस एक्सेल में न्यू ईयर 2021 का कैलेंडर कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम A4 में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर हम डेज लिखेंगे। मंडे के लिए मन, उसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे, ये ऑटो फिल हो जाएगा। देखिए आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करके A3 में क्लिक करके इसको शिफ्ट प्रेस करके हम राइट एरो प्रेस करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद यहाँ पर मंथ लिखेंगे जनवरी। उसके बाद हम यहाँ पर जो जनवरी का पहला डेट है, जनवरी का पहला डेट फ्राइडे को आएगा। आप कैलेंडर से नीचे जो कैलेंडर है कैलेंडर से देख सकते हैं, ये फ्राइडे को आएगा, न्यू ईयर फ्राइडे होगा। यहां पर क्लिक कीजिए फ्राइडे में और टोटल डेट लिखिए 1/01/01/2021। उसके बाद यहां पर क्लिक कीजिए, उस सेल मोड क्लिक कीजिए, E5, हमारा E5 है, E5 में क्लिक कीजिए और उसके बाद जो भी डेट है उसी सेल में क्लिक कीजिए। और यहां पर हम जाएंगे, यहां पर जो डेट का है नंबर्स है, यहां पर जो एरो है क्लिक करेंगे नंबर टैब में। उसके बाद कस्टम को जाएंगे, यहां पर जो टाइप में लिखा है MMDDYY टोटल डेट के लिए है, उसको डिलीट करके हम सिर्फ एक ही डेट लाना चाहते हैं, डी लिखेंगे। उसके बाद ओके, देखिए डेट आ गया। उसके बाद यहां पर 1 ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू दैट फ्राइडे को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद E5, उसके बाद +1, फिर से दिखाता हूं। देखिए यहां पर सैटरडे जो है, सैटरडे का ब्लॉक में क्लिक कीजिए, उसके बाद इक्वल टू ये जो 1 डेट है उसको सिलेक्ट कर दीजिए, +1, क्या आ जाएगा, 1+1 2 आ जाएगा। देखिए आ गया। उसके बाद यहां पर भी वही फॉर्मूला, इज इक्वल टू उसके बाद दिस सेल +1, देखिए आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट रो को क्लिक करेंगे, A6, हमारा यहां पर A6 है, इक्वल टू प्रीवियस डेट जो है 3, क्लिक करेंगे। उसके बाद +1, वैसे ही करेंगे, इक्वल टू दिस प्रीवियस डेट +1, और यहां पर हम ड्रैग कर देंगे तो आ जाएगा, नीचे का सब आ जाएगा। और यहां पर हम अगर इसको ड्रैग करेंगे, देखिए यहां पर अगर हम ड्रैग करेंगे तो सभी सेल ऑटो फिल हो जाएगा। आ गया। उसके बाद अगर हमारे 31 तो संडे है, इसको हम डिलीट कर देंगे, देखिए। और यहां पर कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे, देखिए सिलेक्ट कीजिए
जनवरी से नीचे तक, उसके बाद हम यहां पर देखिए बॉर्डर्स ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करेंगे, हो गया। उसके बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे, आ गया। और यहां पर हम मिडिल को ले जाएंगे, देखिए सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, देखिए सभी सेंटर में आ गया। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, यहां पर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, यहां से शिफ्ट प्रेस करके, देखिए। उसके बाद हम इस सेल को छोटा कर देंगे, देखिए आ गया। और यहां पर हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सिलेक्ट कंट्रोल सी, उसके बाद यहां पर कंट्रोल वी, उसके बाद इसको भी हम साइज छोटा कर सकते हैं, देखिए शिफ्ट प्रेस करके हम इसको ड्रैग कर देंगे, छोटा हो जाएगा, देखिए आ गया। यहां पर हम इसको फेब्रुअरी कर देते हैं, उसके बाद जनवरी 31 संडे को पड़ता है, इसलिए हमारा फेब्रुअरी 1 मंडे को आएगा, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे इक्वल टू, उसके बाद जनवरी 31 सेल में क्लिक कीजिए प्लस 1 आ गया। उसके बाद इक्वल टू ये जो प्रीवियस सेल है इसमें क्लिक कीजिए प्लस 1 आ गया। उसके बाद यहां से हम ड्रैग कर देंगे, देखिए सभी सेल फिल हो गया है। और यहां पर फेब्रुअरी तो 28 है, 28 लास्ट डेट है, इसलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट करके डिलीट, उसके बाद हम वैसे ही जनवरी को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, उसके बाद हम यहां पर कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे, यहां पर भी पेस्ट कर देंगे, यहां पर भी पेस्ट कर देंगे, सभी सेल सभी मंथ के लिए यहां पर भी पेस्ट कर देंगे। वैसे ही हम इसको मार्च कर देंगे, मार्च, उसके बाद मार्च कौन से डेट में आएगा, 28 तो है हमारा संडे, मंडे आएगा, इसलिए मंडे सेल में क्लिक कीजिए, उसके बाद इक्वल टू ये जो प्रीवियस डेट है फेब्रुअरी 28, यहां पर दिखा देता हूं, ये फेब्रुअरी है, फेब्रुअरी 28 यहां पर क्लिक कीजिए, उसके बाद प्लस 1 हो गया। उसके बाद इक्वल टू प्रीवियस सेल प्लस 1 आ गया। उसके बाद हमको सिर्फ ड्रैग करना है, देखिए सभी सेल ऑटोमेटिकली फिल हो गया है, ये बहुत ही आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम अप्रैल को करेंगे, उसके बाद अप्रैल का फर्स्ट डेट थर्सडे आएगा, इसलिए देखिए थर्सडे में क्लिक कीजिए इक्वल टू, उसके बाद लास्ट मार्च 31 को क्लिक कीजिए प्लस 1 एंटर, उसके बाद इक्वल टू सॉरी इक्वल टू उसके बाद प्रीवियस सेल प्लस 1 आ गया। ये देखिए ऑटोमेटिकली फिल हो गया 1, 2, 3, 4 अप टू 30, ये जो नीचे वाला 1, 2 को डिलीट कर देंगे, उसके बाद
नेक्स्ट मंथ में है मई, उसके बाद मई का 1 तारीख आएगा सैटरडे को आएगा, इसलिए सैटरडे में क्लिक कीजिए। उसके बाद इक्वल टू अप्रैल 30 में क्लिक कीजिए प्लस 1 आ गया। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 ये टोटली ड्रैग करके सॉरी स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ये 1 को डिलीट कर देंगे। देखिए 30 तक मई तो 31 है, मई महीना 31 है, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे इक्वल टू दिस सेल प्लस 1 और यहां पर हम इस 1 2 3 4 को ये सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, जो अननेसेसरी डेट है उसको डिलीट कीजिए। उसके बाद ये जून है, जून जून को सिलेक्ट कीजिए, जून का 1 डेट आएगा हमारा, जून का 1 डेट आएगा मंडे ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे ट्यूसडे में क्लिक कीजिए। उसके बाद इक्वल टू मई 31 में क्लिक कीजिए प्लस 1 एंटर। उसके बाद इक्वल टू प्रीवियस डेट प्लस 1 एंटर। उसके बाद ड्रैग कर दीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली ये जून महीना आ गया 30 तक। उसके बाद 1 2 3 सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, आ गया ये 6 महीने का कैलेंडर हो गया। वैसे ही आप जुलाई से दिसंबर तक कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहां पर हम प्रीवियस वाला मंथ जनवरी मंथ को सिलेक्ट कर देंगे, वहां फॉर्मूला पुट किया है कंट्रोल सी। उसके बाद नेक्स्ट जो 6 महीना है इसलिए हम करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्रोल वी यहां पर क्लिक करके कंट्रोल वी और नीचे को जाएंगे, यहां पर क्लिक करके कंट्रोल वी यहां पर क्लिक करके कंट्रोल वी हो गया। उसके बाद हम सिर्फ ये जो ऊपर वाला मंथ का नाम चेंज करेंगे और हो जाएगा। देखिए जुलाई और डेट को चेंज करना चाहिए, ये जो फर्स्ट डेट है सिक्वेंशियली थर्सडे को आएगा, जुलाई 1 थर्सडे को आएगा। यहां पर इक्वल टू जून 30 प्लस 1 हो गया। वैसे ही इक्वल टू दिस सेल प्रीवियस डेट प्लस 1 आ गया 31 तक, 1 को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये अगस्त है, अगस्त का पहला डेट क्या आएगा, पहला डेट आएगा संडे को, संडे में क्लिक कीजिए इक्वल टू जुलाई 31 प्लस 1। देखिए ऑटोमेटिकली ये फिल हो गया है, यहां पर हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, अननेसेसरी डेट को डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहां पर हम लिखना चाहिए अगस्त 29 है, अगस्त 30 को लाएंगे इक्वल टू प्रीवियस डेट प्लस 1, देखिए आ गया। उसके बाद इसको डिलीट कर देते हैं, देखिए अगस्त हो गया। उसके बाद सितंबर आ गया। उसके बाद ये अक्टूबर,
उसके बाद ये नवंबर, उसके बाद दिसंबर, हो गया। यहां पर हम चेंज करेंगे, अगस्त तक कर दिए, उसके बाद सितंबर क्या आएगा, सितंबर आएगा वेडनेसडे को, सितंबर स्टार्टिंग डेट वेडनेसडे को आएगा, अगस्त 31+1 आ गया, उसके बाद इक्वल टू प्रीवियस डेट प्लस वन, एंटर आ गया। उसके बाद इसको ड्रैग कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। देखिए यहां पर सितंबर हो गया है, अक्टूबर में जाएंगे, अक्टूबर का वन डेट फ्राइडे को आएगा, इसलिए ये तो सेम ही डेट है अक्टूबर, देख लेते हैं, इक्वल टू दिस डेट प्लस वन, देखिए अक्टूबर का सेम ही है, सॉरी अक्टूबर 1, 2, 3, 4 अक्टूबर 31 तक ठीक है। नवंबर देखेंगे, नवंबर मंडे को आएगा, इक्वल टू दिस डेट प्लस वन, उसके बाद इक्वल टू प्रीवियस डेट प्लस वन आ गया, इसको ड्रैग कर देंगे, देखिए ऑटोमेटिकली फिल हो गया नवंबर 30, उसके बाद डिलीट कर देते हैं। और यहां पर देखिए दिसंबर, दिसंबर 2021 कौन से डेट में आएगा, वेडनेसडे में आएगा, इसलिए वेडनेसडे क्लिक कर देते हैं, इक्वल टू नवंबर 30 को क्लिक कर देते हैं प्लस वन, प्रीवियस डेट प्लस वन याद करके रखिए, इक्वल टू प्रीवियस डेट प्लस वन, और उसके बाद इसको ट्रैक कर देते हैं, देखिए आ गया 31 तक, और ये कैंसिल, इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए ये देखिए टोटल कैलेंडर आ गया है हमारा, इसको छोटा करके दिखा देता हूं, देखिए यहां पर टोटल जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल सभी डेट आ गया है। यहां पर हम सिलेक्ट करके, यहां पर इसको सिलेक्ट करके हम मर्ज कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर करके यहां पर लिख सकते हैं कैलेंडर 2021। आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, अभी हम बड़ा कर देते हैं, इसको बोल्ड कर देंगे, देखिए, और ये डिस्प्ले को बड़ा कर देते हैं, देखिए ये कैलेंडर 2021 है, देखिए बहुत ही आसान है। यहां पर हम इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, देखिए कैलेंडर 2021 जनवरी मंथ है, इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर भी हम कलर देते थे दे देते हैं, देखिए यहां पर क्लिक कीजिए, उसके बाद कलर फिल कलर, ऐसे ही आप टोटल कैलेंडर को तैयार कर सकते हैं।
ये बहुत ही आसान है, और इस चैनल में आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वैल्यूएबल चीज हम लेके आते हैं। हमारा चैनल का नाम तो आपको याद है, एटीएस टेक इन्फो। प्लीज वॉच द वीडियो, ऑल द वीडियो यू कैन वॉच, और इस वीडियो को लाइक कर देंगे और आपके रिश्तेदार को ये शेयर भी कीजिए। अभी हम देखेंगे कैसे ये प्रिंट प्रीव्यू कैसे लगता है, कैसे लगता है। फाइल में जाएंगे, उसके बाद प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू। देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। यहाँ पर हम दिखाते हैं न्यू ईयर कैलेंडर 2021, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये एक ही पेपर में प्रिंट आउट निकल सकता है। अगर आपका सेटअप थोड़ा गलत होगा तो यहाँ पर भी हम करेक्शन कर सकते हैं। सेटअप, पेज सेटअप, उसके बाद पेपर साइज। अगर आपका लेटर होगा तो देखिए, लेटर करके ओके क्लिक करके देखते हैं। देखिए लेटर में अक्टूबर तक आएगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज में नवंबर दिसंबर आ जाएगा। मगर ये प्रिंट आउट तो एक ही पेपर में आना चाहिए, इसीलिए आप पेज सेटअप में जाइए। उसके बाद ये जो पेज साइज है, पेज साइज को लीगल क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके। देखिए ये एक ही पेपर में आ जाएगा। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, चेकआउट करते हैं ये ठीक है या नहीं है। देखिए जनवरी 1 फ्राइडे को निकलता है, उसके बाद यहाँ जनवरी 31 संडे, उसके बाद फेब्रुअरी मंडे, और यहाँ पर मार्च मार्च मंडे को, उसके बाद मार्च खत्म होता है 31 मार्च दिसंबर, 31 मार्च कहाँ पर खत्म होता है, वेडनेसडे में, और थर्सडे में अप्रैल स्टार्ट होता है। उसके बाद मई सैटरडे को स्टार्ट होता है और खत्म होता है मंडे को, उसके बाद जून ट्यूसडे को स्टार्ट होता है और यहाँ पर वेडनेसडे को खत्म होता है, उसके बाद थर्सडे को स्टार्ट होता है जुलाई, ठीक है। उसके बाद खत्म होता है सैटरडे को, तो अगस्त क्या होगा, संडे को स्टार्ट होगा। ये सब फॉर्मूला पुट किया है। उसके बाद यहाँ पर सितंबर वेडनेसडे को स्टार्ट होता है, उसके बाद ये थर्सडे को खत्म होता है, अक्टूबर फ्राइडे को स्टार्ट होता है और संडे को एंड होता है, और नवंबर नवंबर मत क्या होता है, नवंबर देखिए ये तो अक्टूबर 31 संडे को खत्म हुआ, उसके बाद नवंबर मंडे को स्टार्ट होगा, उसके बाद नवंबर 30 ट्यूसडे को एंड होगा, उसके बाद दिसंबर यहाँ पर 1 दिसंबर 1 वेडनेसडे और दिसंबर 31 फ्राइडे। देखिए ये टोटल कैलेंडर हमारा बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।